मुरादाबाद जनपद की मझौला थाना क्षेत्र पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके चलते पुलिस ने 4 जनवरी को हुई हत्या का खुलासा कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। थाना मझौला क्षेत्र की चौकी टीपी नगर के अंतर्गत चौधरी ट्रांसपोर्ट पर हुई हत्या का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि 4 जनवरी को अमित कुमार पुत्र बलराम निवासी रामपुर मैदान थाना पुनरकी द्वारा मझौला थाने में अपने पिता की हत्या की एक तहरीर दी गई थी, जिसमें थाना मझौला पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए आज 3 अभियुक्तों को लाखड़ी टेम्पो स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। 3 तारीख को ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में एक रात्रि में एक हत्या का मामला सामने आया था, जिसकी तहरीर 4 तारीख को 2 बजे मृतक के बेटे श्री अमित कुमार उन्होंने थाना मझौला में दी थी, और उसके बेसिस पे मुकदमा अपराध संख्या 13/22 धारा 302 404 एवं 34 IPC बनाम पप्पू पुत्र लाल सिंह कल्लन पुत्र इंद्रपाल और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पंजीकृत हुआ। उसके बाद हमारी टीम इस मुकदमे की तफ्तीश में जब लगी तो उन्होंने जब पता किया तो वाकई में पूछताछ करने पे पाया गया कि ये जो है हत्या करके एंटीमार्टम थ्रॉटलिंग जो आया है PM में, ये हत्या करके वहाँ से एक पुरानी पैसों के लेन देन और रंजिश के वजह से हत्या करके और भाग रहे थे। तभी मृतक के भाई राज बहादुर मौके पे आए और उन्होंने देखते हुए भागते हुए भी देखा। उसके बाद हम इनकी तलाश में लगे तो कल रात्रि 7 तारीख को टेम्पो स्टैंड लाकड़ी रोड पे इनको रात्रि 9:30 के अराउंड गिरफ्तार किया गया है मुखबिर खास की सूचना पे। फिलहाल पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है।